Good morning everyone, it's your layman photographer Amit and welcome back to a very new photography blog. Today's session is going to very special क्योंकि आज मैं अपने जो regular vlog करता हूँ या regular अपने photography करता हूँ, landscape photography हो गया या फिर astro photography हो गया या कभी कभी street photography हो गया या weddings हो गया, वो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। हाँ, आज एक नया genre of photography, नया तो नहीं कहूँगा, एक extension कहूँगा, वैसे street photography का एक एक्सटेंशन जिसे स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स भी कहा जाता है, मैं वो फोटोग्राफी करने वाला हूँ। तो उसी के लिए मैं आ गया हूँ अपनी जो गो टू प्लेस है जहाँ पर मैं स्ट्रीट्स करना पसंद करता हूँ। और ठंडी का महीना स्टार्ट हो गया, अभी गोल्डन आवर या सनलाइट जब आता है, जब सनराइज़ होता है तब बहुत रिचर कलर्स होते हैं। तो मैं आ गया हूँ गोल बाज़ार पे और यहीं पर आज शुरुआत करूँगा अपना स्ट्रीट फोटोग्राफी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज मैं यूज़ करने वाला हूँ निकॉन Z8 के साथ 50mm 1.2। वेल, दिस इज़ नॉट द कन्वीनियंट गियर टू यूज़ इन स्ट्रीट फोटोग्राफी, बट क्या कर सकते हैं, अभी वीडियो मैं कर रहा हूँ Z6II से और Z8 ही मेरे पास रहा। और 51.2 इस स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी के लिए मे भी थोड़ा हैवी हो सकता है, बट आई रियली वॉन्ट टू टेस्ट द 1.2 अपर्चर क्योंकि मैं उसको वेडिंग्स पे यूज़ कर चुका हूँ, मेरे वीडियोस पे यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन पोर्ट्रेट्स पे कैसा आता है वो मैं यूज़ करना चाहूँगा। वैसे स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स में हम लोग F2.4 तक यूज़ करते हैं, लेकिन आज 1.2 का मैं बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देखने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर गोइंग टू एन्जॉय अ लॉट। मैं यहाँ पर कुछ महीने पहले एक और बार वीडियो बनाया था स्ट्रीट फोटोग्राफी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं आप। तो बेसिकली यहाँ के स्ट्रीट लाइट्स बहुत ही कलरफुल रहते हैं क्योंकि आप देख सकते होंगे वीडियो पे, जैसे कि डोर पे ब्लू कलर है, रेड है, ग्रीन है, येल्लो है, उसके साथ ना अगर कोई उसी कलर का क्लोथ्स पहन के आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्री निकलता है। वैसे तो स्ट्रीट्स में मैं बेसिकली F8 F11 या F16 पे लेता हूँ और 24mm वाइडर फोकल लेंथ यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आज मैं 50mm यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं 50mm से यूज़ टू उतना नहीं हूँ स्ट्रीट्स करने पे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं वैसे भी अपर्चर आज इसका शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करने वाला हूँ, मोस्टली वाइडर अपर्चर पे यूज़ करके मैं पोर्ट्रेट्स काइंड ऑफ स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स या एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स कह सकते हैं उसके लेने वाला हूँ। हालांकि वहाँ पर भी हमको थोड़ा डिटेल्स चाहिए होता है हर चीज़ का, लेकिन हम इसका एक्चुअली रियल क्या मतलब कैसा क्वालिटी है 1.2 में, तो क्योंकि मैं पहले तो कभी मेरा हिस्ट्री नहीं है 1.2 यूज़ करना, तो आज 1.2 यूज़ कर रहा हूँ, तो 1.2 पर ही अपर्चर लेके हम लोग आज का फोटोज़ निकालेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.
आज आई थिंक 6-7 महीने बाद मैं स्ट्रीट्स उठाने के लिए आया हूँ। और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर स्ट्रीट्स पे आता हूँ तो ना एक्चुअली अलाइव फील लगता है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मार्केट पे आना, जो हलचल होता रहता है, जो एक्टिविटी होता रहता है, उसको देखना, उससे एक मतलब एक लाइफ का लेसन मिलता है या फिर लाइफ का एक्सपीरियंस एक अच्छा मिलता है। खैर, आज तो हम फोटोग्राफी के लिए आए थे और आप बताइए कि आज का जो ये सेशन था कैसा लगा। मैं जनरली स्ट्रीट्स नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मुझे स्ट्रीट्स करना पसंद है। और एक तो अच्छा चीज़ उससे होता है कि आपका जो विजनरी है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हालांकि आज मैं जो स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स पे ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन कई सारे मुझे चीज़ मिले भी और मेरे हिसाब से अच्छा सेशन रहा। और पोर्ट्रेट्स भी कुछ अच्छे अच्छे मिले। आप बताइए आपको आज फोटोग्राफ्स कैसे लगे, जो पोर्ट्रेट्स हम लोगों ने उठाए वो आपको कैसे लगे, तो बताइए। इसी तरह का अगर आप सेशन देखना चाहते हैं तो मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा इसी टाइप के कंटेंट बनाने के लिए, ओनली ऑन मतलब स्ट्रीट्स पे बनाने के लिए, पोर्ट्रेट्स पे बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी जॉनर का फोटोग्राफी चाहिए जिसके ऊपर आप देखना चाहते हैं मेरे कंटेंट को, आप कमेंट पे बताइए कि किस टाइप पे मैं वीडियो बनाऊँ। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित अगेन साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर। एंड हाँ, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलिए, बेल को हमेशा क्लिक कीजिए, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।